हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अपने चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम एक होम थिएटर रिपेयर करेंगे और इस होम थिएटर में प्रॉब्लम है कि इसमें सप्लाई लाइन नहीं जा रहा है। देखिए दोस्तों, इसका एसी मेन कोड है। चलिए सीरीज सप्लाई देते हैं। बनाने की प्रक्रिया में जब भी हम सप्लाई देंगे दोस्तों किसी भी सेट में, तो सीरीज सप्लाई देंगे, ठीक है। इससे हमको चेक करने में सुविधा होता है दोस्तों। चलिए इसको ऑन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही हमें इसमें सप्लाई दी है, ऑन किए, इसमें सप्लाई लाइन नहीं बता रहा है, इसका डिस्प्ले नहीं शो कर रहा है। तो दोस्तों, इसको हम खोलेंगे और चेक करेंगे। एक बार दोस्तों इसका एसी चेक कर लेते हैं, मेन कोड कि यह सही है कि नहीं। देखिए दोस्तों, यह ट्रांसफार्मर से सही होगा तो इसमें कंटिन्यूटी शो करेगा। ट्रांसफार्मर इसका सही होगा और कोड सही होगा तो दोस्तों कंटिन्यूटी शो करेगा, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, हम इस पर और इस पर पकड़ते हैं तो दोस्तों देखिए, इसका कंटिन्यूटी शो कर रहा है। ट्रांसफार्मर का कंटिन्यूटी शो कर रहा है, मीटर में हरकत हो रहा है, यानी दोस्तों हमारा ट्रांसफार्मर सही दिखा रहा है प्राइमरी सेक्शन का। तो जब प्राइमरी सेक्शन सही होगा तो सेकेंडरी सेक्शन भी दोस्तों सही होना चाहिए। ज़्यादातर दोस्तों प्राइमरी सेक्शन खराब होता है। तो चलिए अब हम इसको खोलते हैं और पीछे चलेंगे। तो दोस्तों, इसका नट हम पहले खोल चुके हैं, जो इस देख रहे हैं सारा नट जो है इसका दोस्तों खोल के और हम यहाँ पर रखे हुए हूँ, ठीक है। आपको चेक करने के लिए दिखा रहे थे शुरू से। तो चलिए अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। और ओपन करने के बाद दोस्तों देखिए, इसका जब हम ओपन करके देखे थे हम भी, तो इसका जो सेकेंडरी सेक्शन है, इसका सेकेंडरी सेक्शन का जो पेपर है वह दोस्तों देखिए काटा हुआ है, पहले भी काटा हुआ था। यह दोस्तों अल्मोनिया क्वाइल है और यह दोस्तों तांबा कॉपर तार है। तो दोस्तों, कॉपर और अल्मोनियम में कार्बन ज़्यादा पकड़ते हैं, कॉपर अल्मोनियम में कार्बन ज़्यादा लगते हैं। तो दोस्तों, आपको दिखाते हैं यहाँ पर वोल्टेज, कि वोल्टेज हमारा यहाँ पर बन रहा है कि नहीं, ठीक है। देखिए दोस्तों, चलिए इसको डीसी मोड में करते हैं, 20 के रेंज में, और इसको ऑन करते हैं। और इसमें दोस्तों अब हम सप्लाई देते हैं फिर से एक बार। स्विच हमारा ऑन है और दोस्तों हम सप्लाई दे दिए। यहाँ पर वोल्टेज देखते हैं कंडेंसर पर कि वोल्टेज कितना आता है। तो देखिए दोस्तों, 0.1 वोल्टेज आ रहा है, 0.61, यानी आधा वोल्ट। इसका मतलब है दोस्तों कि हमारा इसी में कहीं प्रॉब्लम है। देखते हैं इसको हिला डुला कर। देखिए दोस्तों, हिलाने डुलाने से यह पकड़ ले रहा है, चालू हो गया दोस्तों यह, ठीक है। यह ब्लू, यह है होम थिएटर चालू हो गया। चलिए आपको दिखाते हैं आगे से, इसका डिस्प्ले दिखाएगा, यह बज रहा है। देखिए दोस्तों, आगे से डिस्प्ले दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसका डिस्प्ले ऑन है, ब्लूटूथ ऑन है। चलिए दोस्तों, इसमें हम स्पीकर लगा के आपको सुनाते हैं। सबसे पहले इसको कट करेंगे और दोस्तों इसमें स्पीकर का कनेक्शन हम कर देते हैं, देखते हैं ऑन करके। देखिए दोस्तों, ये ब्लूटूथ ऑन का तो लिख रहा है। इसमें स्पीकर इस कोड में नहीं जला। चलिए दूसरा में देखते हैं कौन से में बज रहा है। देखिए दोस्तों, ये इसमें चालू है, यह स्पीकर हल्का बजा। चलिए इसका वॉल्यूम तेज करके दिखाते हैं आपको। फिर से देखिए, देखिए दोस्तों, यह सही हो गया। तो इस होम थिएटर में जो प्रॉब्लम है वह हमारा ट्रांसफार्मर में प्रॉब्लम है, सेकेंडरी सेक्शन में। और दोस्तों, इसका जो है कनेक्शन, जहाँ पर कॉपर और अल्मोनियम का जो कनेक्शन है दोस्तों, इसी में कार्बन आ गया है। तो इसको दोस्तों हम अच्छी तरह एक बार ओपन कर लेंगे खोल कर, और फिर से दोस्तों इसको लगा देंगे, यह दोस्तों हमारा चालू हो जाएगा, ठीक है। इसमें यही करना है दोस्तों, बाकी यह होम थिएटर पूरी तरह सही है, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो बाएं साइड अंगूठे के निशान को टच कर एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही घंटी बटन को टच कर नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए। तो दोस्तों, हमको ये ख़राब मिला। आपको ट्रांसफार्मर भी दोस्तों शॉर्ट मिल सकता है, ख़राब मिल सकता है। इस किस्म का प्रॉब्लम हम पहले भी बना चुके हैं और आपको वीडियो दिखा चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं वह सब वीडियो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होम थिएटर का जितने भी हमारे चैनल पर वीडियो है सबका लिंक दोस्तों मिल जाएगा। आप वह देख लीजिए स्थिर से और समझ लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।